हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वो मकान था जो गाटर टुकड़ी पर बन रहा था, जहां पर ये मकान 11:30-12 बजे के आसपास आज भरभरा कर गिर गया है, जहां पर तमाम आला अधिकारी इलाके के, चाहे वो SHO साहब हो, ACP साहब हो, चाहे DCP साहब हो, तमाम आला अधिकारी यहां पर आए और मौके का मुआयना कर रहे हैं। डबल ए न्यूज के लिए अनिल ब्रह्मा जी के साथ नईम अहमद, दिल्ली। ये पुराना मकान था, वैसे यह सिंगल का प्लॉट है, वैसे 40 गज में ये बना रही थी, और क्योंकि पुराना मकान था, टीन डाल रखी थी, 28-30 साल पुराना मकान है, आगे उसे ऊंचा करके वो TRN वगैरह डाल के अपना काम चलाने की कोशिश कर रही थी। पहले से पानी भर गया था बारिश के टाइम में, अब वो मिस्त्री काम कर रहे थे, क्या दुर्घटना हुई है ये तो हम उस समय तो हम नहीं थे घर। अब वो जैसे ये TRN जो डाल रखी है, TRN लपी हुई है, टूटी हुई, उससे तो ऐसा लगता है कि भाई 2-1 आदमी है, चोट भी आई होगी, जैसा लोग बता रहे हैं 3 या 4 आदमियों चोट आई है, एक के सर में ज़्यादा चोट है, मिस्त्री के में या लेबर वाले के में, यही दुर्घटना है। ये पिछले 30 साल से यहाँ रह रहे, पुराना मकान है। कितने बजे घटना है ये? होगी अब क्या टाइम, 12 बजे करीब होगी। खत विसर्जी है भाई सर, लगभग 2 घंटे से मौके पे हम खड़े हैं, मनमारी जी हमारे कांग्रेस के नेता 1.5 घंटे से खड़े हैं, मगर अभी तक निगम पार्षद के कार्यालय के 50 मीटर के डिस्टेंस में काम है, निगम पार्षद का पता नहीं है, क्षेत्रीय विधायक का पता नहीं है, ACP DCP सारे अधिकारी आ गए, मगर जनप्रतिनिधि का पता नहीं है। इसीलिए किरारी इतने दुखद दौर से गुजर रही है। आज अभी फायर गाड़ी आई है, बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुँची है। इस दुखद घटना को देखते हुए बड़ा शर्मिंदा भी होता है, जो ऐसे हमारे प्रतिनिधि हैं जो अपने ऑफिस के 50 मीटर के आस पड़ोस की घटना में भी उपस्थित नहीं होते, और निगम के अधिकारी के साथ ये लोग, इलेक्शन चल रहा था तो लेंटर माफिया करके पूरे दिल्ली में हल्ला मचाया, आज कहाँ गया माफियागिरी, किसकी सेटिंग से ये मकान बने हैं, ये मकान रहने लगा, आप कल के स्थिति देखिए मकान में, और ऐसे मकान को उसी पुराने देवाल पे देवाल जोड़ के पूरी की पूरी मकान गिर गई छत पर। जी हाँ, देखिए पुराना मकान तो है ही, बहुत पुराना दीवाल था इसका, अब इसके पुराने दीवाल के ऊपर किस आधार पर निर्माण प्रारंभ हुआ ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत दुखद घटना है, और इस प्रकार के निर्माण कार्य करने वाले लोगों को चिंतन करना चाहिए कि उनको पुराने दीवाल पर निर्माण कैसे करना है, और जिस प्रकार का निर्माण इन्होंने किया उसका परिणाम ये है कि आज 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं और पूरी तरह से घायल हैं। पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि घायलों को समुचित इलाज के माध्यम से उनकी जान की रक्षा हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन एक चिंता का विषय एक और है कि आखिर इन कॉलोनियों के अंदर इस प्रकार के निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी अगर निगम की है, जैसा कि पहले से लोग कहते रहे हैं, तो निगम पार्षद के कार्यालय के 20 मीटर के रेडियस के अधीनस्थ यह मकान बनकर कैसे तैयार हुआ, और अगर इस मकान का निर्माण प्रारंभ हुआ और इस मकान की छत तक पहुंच गई निर्माण होते होते, तो किसकी जवाबदेही बनती है, क्यों नहीं इसको रोका गया कि पुराने दीवाल पर मकान का निर्माण क्यों कराया जा रहा है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि घटना के घटे हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं और इस क्षेत्र के निगम पार्षद या उसके प्रतिनिधि की यहाँ पर आने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, यहाँ की आम जनता के प्रति उनकी कितनी संवेदनशीलता है और कितनी जवाबदेही है ये चिंता का विषय।